यू आर वेलकम ऑन एक बार फिर से रिव्यू चैनल। मैं हूँ रहमत और आपकी फरमाइश पर दोबारा रवा इडली की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। बहुत सिंपल इसकी रेसिपी है, 10 मिनट में ना बहुत ही टेस्टी इडली बनकर रेडी हो जाती है। तो ये 500 ग्राम का रवा इडली पैकेट है जो कि 110 रुपीज़ में मिल जाता है और एक पैकेट में लगभग 25 से 30 इडली बन जाती है बड़े आराम से। मुझे तो बहुत पसंद है ये इडली बनाना और बहुत झटपट बन जाती है। तो मैंने इसके लिए दही जमा के रख लिया था एक रात पहले ही, और एक कप मैं दिखा रही हूँ, यही मेरा मेजरमेंट है, एक कप। कोई भी साइज़ का कप ले लें, तो अगर जिस साइज़ का भी ले रहे हैं उसी साइज़ से आपको मेज़रमेंट करना है। तो मैंने ये एक कप ले लिया है, उसमें मैं लगभग 2 कप रवा इडली का मिक्सचर निकालूंगी और इसी कप से 1 कप दही मिलाऊंगी और इसी कप से 1 कप पानी मिलाऊंगी। बस यही तो आपको मिक्स करना है और सिंपल तरीके से ये बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप रवा इडली का मिक्सचर ले लिया है और 1 कप दही मैं निकालूंगी, उसे मिक्स करूँगी अच्छे से। दही और रवा इडली के मिक्सचर को अच्छे से पहले हल्के हाथों से मिक्स कर लेना कुछ देर, और फिर 1 कप पानी डाल के आपको ढककर 10 मिनट के लिए इसे रख देना। तो आप देखें, फिर आगे मैं बताती हूँ। तो दही पानी अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूंगी। तो 15 मिनट हो चुका है और अब बारी आ गई है इडली बनाने के लिए। तो मैंने इडली का सांचा रेडी करके रख लिया, पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है, साथ साथ मैंने सांभर भी रेडी कर लिए क्योंकि मुझे आज इडली और सांभर ही खाना है। तो सांचे में आपको थोड़ा सा तेल लगाकर हर एक सांचे में अच्छे से तेल को मिक्स कर लेना है ताकि जब इडली आप निकालें तो वो आसानी से निकल जाए। तो इडली का बैटर आप देख लें यहाँ पर कितना अच्छा हो गया है और गाढ़ा सा भी हो गया, पहले कितना पतला था ना 15 मिनट के अंदर में ये बहुत गाढ़ा हो गया। और आपको करना कुछ नहीं है, इसको आराम आराम से अपने इस सांचे में डाल देना है और जब ये अच्छे से सांचे में डला जाए तो फिर आपको गर्म पानी के ऊपर इस सांचे को रख देना ताकि ये भाप से ये इडली आराम से बन जाए। तो देखें आप, तो देखें आप यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है ना, अभी 9:05 नहीं हुआ है, 9:05 होने वाला है और मैं इसमें इडली डालकर रख दे रही हूँ। और फिर आप देखिएगा 10 मिनट के अंदर ना ये इडली बनकर रेडी हो जाती है। तो फिर से आप टाइम देख लें, 10 मिनट हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ इडली का डब्बा खोलने। देखिए इडली बिल्कुल 10 मिनट के अंदर बन के रेडी हो गई, बहुत सॉफ्ट सी अच्छी सी इडली। तो मैं इसे निकाल कर बाहर रख दूँगी इडली स्टैंड से ये, और थोड़ा सा ठंडा होने दे दूँगी ताकि जब मैं इडली निकालूँ तो इडली टूटे नहीं। अगर आप इसे गरम गरम ही निकालोगे ना तो इडली टूट जाती है। तो इसे मैंने इतना देर के लिए रख दिया जब तक कि इसका भाप ख़त्म हो गया, गर्म ही है अभी, ठंडा नहीं हुआ, बस इसका भाप चला गया। और आराम से इसे चम्मच की मदद से निकाल लें और मेरा सांभर रेडी है। तो चलिए आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो 10 मिनट में मेरी गर्मा गर्म इडली रेडी हो गई, अब मैं चली आराम से खाने। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।